नमस्कार दोस्तों वे प्यारे किसान साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों, प्याज की बीज की खेती कैसे करें, प्याज का बीज कैसे तैयार करें, ओनियन सीड फार्मिंग के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए किस मिट्टी की आवश्यकता है, कौन सी सीजन में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम मिट्टी के बारे में हम बात करें तो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, ब्लू मिट्टी है, सभी प्रकार की मिट्टियों में हम खेती कर सकते हैं। मौसम है तो हम ये रबी की क्रॉप है किसान भाइयों, इसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इससे अगर कम टेम्परेचर आए तो हम सल्फर 40% का यूज स्प्रे कर सकते हैं, या सवेरे जब बर्फ का प्रकोप हो और सिंचाई की उपलब्धता हो तो हम सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई करने का समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उचित समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में हम इसकी बुआई कर सकते हैं, ये एकदम उचित समय है। किसान भाइयों, पीएच के बारे में हम बात करें तो 6 से 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से हम पहले बात करते हैं प्याज के बारे में, प्याज हमें किस प्रकार रखना है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं फरवरी मार्च में, तब हमें अच्छी साइज के प्याज रख लेने हैं, जिनका कलर लाल हो, नरा पतला हो, बैठक अच्छी हो और प्याज ठोस हो, उनको हमें छांट लेना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद में उनकी 5 से 6 महीनों में 2-3 बार सफाई कर लेनी है किसान भाइयों। उसके बाद में हम खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो हमें सड़ी गली गोबर की खाद 6 महीने पुरानी, जिससे दीमक न लगे, गहरी जुताई है पलाऊ की वो करवा देनी है किसान भाइयों, हेरा निकाल लेना है किसान भाइयों। उसके बाद में रोटोवेटर निकाल कर हम कल्टीवेटर में बेसल डोज डालते हैं। इसमें रोटोवेटर पहले निकाला जाता है और उस बाद में कल्टीवेटर में बेसल डोज डाल देते हैं। बेसल डोज में DAP है, MOP है, SSP है और रिजेंट है, ये हम डाल सकते हैं किसान भाइयों। हमें बेड मेकर से बेड विधि से भी हम प्याज के बीज की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। प्याज की आवश्यकता के बारे में हम बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्याज हमें पर एकड़ आवश्यकता होती है, और बीघा की बात करें तो पक्का बीघा में 6 से 7 क्विंटल, जिन क्षेत्रों में 165x165 का बीघा है, और किसान भाइयों कच्चे बीघे में 3.5 से 4 क्विंटल प्याज की हमें आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और बात करें उन प्याजों को ऊपर से 25% काट लेना है और 75% हमें गहरी जोत में लगा देना है। प्याज से प्याज की दूरी 1 फीट और जो बीज की दूरी है वो 2 फीट किसान भाइयों। हम तिरछी साइड में भी प्याज लगा सकते हैं, जिसे हमने हमारे वीडियो में डाला है, लगा रखा है, जिससे षटकोण विधि भी कहते हैं किसान भाइयों। हमें इन प्याज को फंगीसाइड जैसे कार्बोडिज्म है प्लस मेन को जेब में उपचारित करके और लगा सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद में हम बात करें जो खाद का शेड्यूल है, उसमें हम यूरिया है, DAP है, एक माइकोराइजा जैसे वेम है, एक्टिन है, रैली गोल्ड है टाटा का, ये हम यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। सल्फर है जो फर्टिस के 90% वो यूज कर सकते हैं। अगर बर्फ का प्रकोप तो हमें सल्फर 40% या सल्फर 55.16% का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद में हम बात करें फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड में हम शुरुआत में जो ड्रेंचिंग करते हैं, जो सिंचाई में हम चला देते हैं, उसका नाम है टाटा ताकत। उसमें जो टेक्निकल आता है किसान भाइयों, हेक्सोकोनाजोल 5% प्लस केप्टान 70%, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है किसान भाइयों। इसे प्रिवेंटिव हमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ये एक ताकत का टीका भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारे अगर प्याज में गलन सड़न है तो हम टाटा की ब्लाइटोक्स आती है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP वेटेबल पाउडर में आता है, या हम थायोपनेट मेथिल भी चला सकते हैं। उसके बाद अगर थ्रिप्स का प्रकोप हो तो उसके लिए हमें टाटा की समिट इंसेक्टिसाइड है, जिसमें टेक्निकल है स्पाइनोडर्म, 11.7% SC फॉर्म में आता है, जो ग्रीन लेवल का
इंसेक्टिसाइड है, किसान मित्र है। उसके बाद हम बात करें जंप का भी हम कर सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल है 80%। इसके साथ हम एक फंगीसाइड ले लेते हैं जिससे टाटा अर्गोन फंगीसाइड, जो क्रिसोमिथाइल 44.3% एसी फॉर्म में आता है, उसको हम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद हम बात करें अगर कोई और भी हमें फंगस की संभावना है हमारी क्रॉप में, तो हम जो टाटा की पलूटो आती है जिसमें टेक्निकल आता है एजिस्ट्रोबिन 11.5% प्लस मेनकोजेब 30% WP का हम स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद में हम बात करें जब हमारे प्याज में जो बीज का तना अगर झुक जाता है किसी प्रकार से, तो हम केबली टॉप आती है बेसब कंपनी की, जिसमें मेटीराम 55% प्लस पायरा क्लोस्ट्रोबिन 5% WG फॉर्म में आता है। जब जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं तना अगर झुका हुआ है, तो हम ये टेक्निकल यूज कर सकते हैं किसान भाई हो। उसके बाद हमें कोई और भी दिक्कत है, तो हम नेटिवा बायर की आती है जिसमें टेबिकोनोजोल 50% प्लस ट्राइक्लोस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आता है, इसका हम यूज स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद अगर फरवरी में अगर इलियों का प्रकोप है, तो हम कोराजन यूज कर सकते हैं या बायर की फेम यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। और हमें ध्यान ये रखना है कि मार्च और अप्रैल में रेड लेबल के इंसेक्टिसाइड हुआ है, येलो लेबल के इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना है। अगर इनका यूज करेंगे तो पराकरण की क्रिया नहीं होगी, मधुमक्खियां मर जाएंगी, पोलिनेशन की क्रिया नहीं होगी और हमारा उत्पादन एकदम से घट जाएगा। इसलिए हमें मार्च और अप्रैल में बहुत ही सावधानी रखनी है, 2 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है, बीच में हमें क्लोरोपाइरीफॉस दीमक की भी डालनी है, वरना जड़ ख़त्म हो जाएंगी दीमक से, तो हमारा बीज का उत्पादन बहुत कम होगा किसान भाइयों। हमें गुड़ का भी स्प्रे कर लेना चाहिए किसान भाइयों, जिससे पराकरण अधिक होगा। अगर हमारे जो प्याज का बीज का जो प्लॉट है उसके चारों ओर अगर फूलों की खेती है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं किसान भाइयों, क्योंकि मधुमक्खियाँ अधिक आएंगी और पराकरण की क्रिया अधिक होगी किसान भाइयों। और उसके बाद में हम बात करें तो प्रति बीघा कितना उत्पादन हो जाता है, अगर हम अच्छी देख रहे हैं अच्छा मौसम है, तो किसान भाइयों 3.5 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो जाता है। और हम कच्चे बीघे की बात करें तो 1 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन होता है। वो किसान भाई अगर हम भाव की बात करें, किस भाव पर हमारा बीज बिक सकता है, तो वो प्याज भाव पर, प्याज की जो मार्केट है उस पर निर्भर करता है। अगर प्याज का मार्केट अधिक है तो अच्छा भाव पर बिकेगा, और अगर भाव नहीं है तो कम भाव पर बिकेगा, वो वर्तमान परिस्थितियां देखी जाती हैं किसान भाइयों। उसके बाद में हम बात करें, लगभग हमने सभी बातें कर ली हैं किसान भाइयों, विशेष ध्यान यही है कि मार्च और अप्रैल में येलो रेड लेबल के इंसेक्टिसाइड का कतई यूज नहीं करना चाहिए, वरना अपना उत्पादन है वो 60% कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय एक तो अधिक टेम्परेचर होता है किसान भाइयों, ऊपर से हम जहरीले इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो मधुमक्खियां खत्म और अपना जो उत्पादन है वो भी खत्म। तो ठीक है किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, थैंक यू।